नमस्कार, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके BTC या फिर DLED चौथे सेमेस्टर से सामाजिक अध्ययन का जो आपका यहाँ पर कोर्स चल रहा है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आज के प्रकरण को लेकर के, तो हम बात करने वाले हैं आपका कैबिनेट मिशन के बारे में। जी हाँ, कैबिनेट मिशन आपका कब आया था उसके बारे में, और जो एक मेन पॉइंट है आपका सबसे लास्ट, वो है जब आप बात करते हो फाइनली, जी हाँ, और वो है आपका भारत का विभाजन और उसे आज़ादी कैसे मिली। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये आपका जब हिस्ट्री वाले पोर्शन को लेकर के आप बात करते हो तो ये आपका अंतिम वीडियो होगा। वहाँ से आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर जो शुरुआत होती है वो होती है आपके कैबिनेट मिशन से। जो आगमन हुआ था भारत में 24 मार्च 1946, मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन हुआ था। 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और सर अलेक्जेंडर, ये 3 नाम जो है वो देखने को मिलते हैं। उसके बाद कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद देखिए लिखा हुआ है, मैं कलर चेंज के ले रहा हूँ इसका, ठीक है, यहाँ पर है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद आने वाला जो पहला मिशन था वो कैबिनेट मिशन था। उद्देश्य था भारतीयों को उनका अपना कानून बनाने हेतु, उनको अपना कानून बनाने दिया जाए, ये इसका उद्देश्य था। रिपोर्ट पेश की अपनी 16 मई 1946 को, और इस वक्त कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे अबुल कलाम आज़ाद जी। प्रावधानों की अगर बात की जाए, यहाँ पे कुछ प्रावधान थे, तो इसमें यह बताया गया कि भारतीय अपना संविधान, अपनी संविधान सभा का चुनाव कैसे करें। इस आयोग या मिशन ने विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, अतः यहाँ पर आप जब बात करते हो ML मुस्लिम लीग ने इस मिशन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, परंतु कांग्रेस और गांधी जी ने इसे स्वीकार कर लिया। ये जो प्रस्ताव था वो एग्जैक्टली था क्या, वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो आपने देखा, जब आप बात करते हो कैबिनेट मिशन को लेकर के आया कब था, इसके 3 सदस्य थे, उनके नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उनको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि भाई मैंने आपको कौन कौन से नाम बताया, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और सर अलेक्जेंडर, ये 3 नाम थे, ओके। उसके बाद सीधी कार्यवाही दिवस देखने को मिलता है, डायरेक्ट एक्शन डे, और हम बढ़ रहे हैं आज़ादी की तरफ। एग्जैक्टली, सीधी कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे जो डेट थी 16 अगस्त 1946, मनाने का रीज़न क्या था, कारण क्या था, यहाँ पर लिखा हुआ है चूँकि कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन योजना स्वीकार कर ली थी, वह मुस्लिम लीग ने इसे पूर्णतः स्वीकार कर दिया था, अतः वायसराय ने 12 अगस्त 1946 को कांग्रेस को अंतरिम सरकार बनाने हेतु निमंत्रण भेजा, जिसे स्वीकार किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग ने पूर्णतः उपेक्षा, मुस्लिम लीग की पूर्णतः उपेक्षा की गई, ओके, जिससे वह नाराज़ हो गई और सीधी कार्यवाही दिवस जो है वहाँ पर घोषणा कर दी। इसके दौरान पूरे देश में दंगे शुरू हो गए और उसमें लगभग 180,000 लोग मारे गए थे, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए यहाँ पे। अतः गांधी जी ने इन्हीं दंगों को रोकने हेतु बंगाल के नोआखाली स्थान गए और भारत को आज़ादी मिली क्या है, और जब भारत को आज़ादी मिली तो वह उस समय गांधी जी यहाँ पर मौजूद नहीं थे। आप ध्यान दीजिएगा, जब आज़ादी की बात हुई तो वो उस समय बंगाल के नोआखाली नामक स्थान पे थे। ये आपके सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं ऐसे उसमें, ठीक है, कि आपका उस समय वो कहाँ थे गांधी जी, तो वो इसी दंगों से त्रस्त होकर के, कि यहाँ पर दंगे भड़क उठे, वो सारी चीज़ें, वो बंगाल के नोआखाली चले गए थे उस समय, तथा ब्रिटिश, आगे देखते हैं, ब्रिटिश हेड व भारत के अंतरिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने उन्हें वन मैन बाउंड्री कह के पुकारा था, ठीक है। तो अंतिम जो आश्रय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री के नाम से भी पुकारा था। इंटरिम गवर्नमेंट यानी कि जो अंतरिम सरकार बनी थी, 2 सितंबर 1946 को कुल सदस्य 12 थे, प्रमुख थे लॉर्ड वेबल, उपाध्यक्ष थे इसके जवाहरलाल नेहरू जी, जे एल नेहरू लिखा होगा, देखिएगा, ठीक है, और ML ने ऐसे इसमें जो है प्रतिभागीता नहीं दिखाई। ML फॉर मुस्लिम लीग है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना वाली, नोट करके पॉइंट लिखा हुआ है, 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग 5 सदस्यों ने अंतरिम सरकार का हिस्सा बनना स्वीकार किया, और इसी कारण 3 कांग्रेसियों ने इस्तीफा दे दिया। अंततः अंतरिम सरकार में कुल 14 सदस्य मंत्री हो गए। अंतरिम सरकार बनी थी, आपको पता होना चाहिए, आप में से कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इसके बारे में नाम भी नहीं सुने होंगे या जानते भी नहीं होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको कि एक अंतरिम सरकार भी बनी थी आज़ादी से जस्ट पहले आपका,
और उसमें कानून मंत्रालय जो है वो किसके हाथ में था, जोगेंद्रनाथ मंडल, अंबेडकर नहीं थे अंबेडकर जी उस समय, ठीक है। वित्त मंत्रालय या जो मंत्री थे वो थे लियाकत अली खान, श्रम मंत्री बनाए गए थे जगजीवन राम, रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह, है ना। आप लोग तो आज़ादी के बाद की बात करते हो, यहाँ तो पहले भी सरकार थी, भारत के ही सब थे। खाद्य कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद जी थे, शिक्षा मंत्री राजगोपालाचारी को बनाया गया था, रेलवे मंत्री अरोड़ा आसफ अली जी को बनाया गया था। ये जब आप बात करते हो अंतरिम सरकार को लेकर के, इंटरिम गवर्नमेंट, डेट याद रखिएगा 2 सितंबर 1946 को ये आपकी बनी थी। और दोस्तों फिर बात आती है भारत विभाजन, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे भारत का विभाजन और आज़ादी 20 फरवरी 1947 की बात है। उस समय ब्रिटिश पीएम एटली थे, उन्होंने यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार 30 जून 1948 से पहले भारतीयों को सत्ता सौंप देगी, और इन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को नया ब्रिटिश सरकार प्रमुख बना करके भारत भेजा, ठीक है। एटली, क्लीमेंट एटली थे उस समय प्रधानमंत्री ब्रिटेन के, और उन्होंने कहा देखो भाई ऐसा है 30 जून 1948 से पहले हम आपको जो है आज़ादी दे देंगे। 20 फरवरी 1947 को उन्होंने यह घोषणा की थी। माउंटबेटन योजना क्या थी, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा भारत आया 24 मार्च 1947 को, ये अपनी योजना प्रस्तुत की 3 जून 1947 को। इस योजना में उन्होंने भारत के विभाजन को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस ने भी 14 जून 1947 को मेरठ में हुए अपने अधिवेशन में इसे स्वीकार कर लिया। वहीं ML फॉर मुस्लिम लीग ने इसे दिल्ली सेशन में स्वीकार कर लिया। सबने कहा ठीक है भाई हम मानते हैं, मुस्लिम लीग ने कहा भाई अलग राष्ट्र बनाओ, हम जाना चाह रहे हैं, अलग रहेंगे और सारी चीज़ें। तो सब ने सबको स्वीकार कर लिया अलग अलग, और फाइनली वो दिन, अब ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता कानून या अधिनियम पास किया, और इसी के साथ 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र बने। ऐसे में 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस आपका पाकिस्तान जो है ये अपना पाकिस्तान दिवस मनाता है, और अपना भारत जो है वो मनाता है 15 अगस्त को। अभी आप मना करके आए हो अपना 73वां स्वतंत्रता दिवस। इसमें एक बात लिखी हुई है, 14 जुलाई से 18 जुलाई सबसे कम समय में पारित किया गया ये विधेयक था, ये कानून था, ये अधिनियम था ब्रिटिश गवर्नमेंट में अब तक के इतिहास में, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। लिखा हुआ है नोट करके 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने संविधान सभा ने सत्ता, लिखा है सत्ता प्राप्त की। इस अवसर पर MS सुब्बा लक्ष्मी द्वारा जनगण मन गाया गया। देखिए जी, MS सुब्बा लक्ष्मी जी ने सबसे पहले यहाँ पर गाया। इस अवसर पर गांधी जी के आंदोलन की राजनीतिक फिरौती, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर, जो कथन कहे गए किसके द्वारा, कौन से स्टेटमेंट कहे गए थे वो मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। भारत आज़ाद हो गया, दो विभाजित हो गए खंडों में, इसमें आप देख रहे हो गए, आपको आपको पता है वो जो दंगे बीच में भड़के थे वो 46-47 कि आपका जो इंडिया पाकिस्तान वॉर के भी ऐसे उसमें नाम से भी तो जाना जाता है, या 47-48 करके आप बोल देते हो, उसी ड्यूरेशन में वो जो है युद्ध हुआ था, काफ़ी सारे लोग मारे गए थे। गदर मूवी वगैरह आपने देखी होगी तो उधर से भी थोड़ा वही चीज़ें देखने को मिलती हैं डिवीज़न के समय में। यहाँ पर लिखा हुआ है लॉर्ड गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती। लॉर्ड लिन लिथगो ने कहा था भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज्य का शिशु है, कोपलैंड महोदय का स्टेटमेंट था। आगे कुछ और बातें लिखी हुई हैं, ब्रिटिश शासन का महत्वपूर्ण कार्य भारत का एकीकरण था, वो KM पड़िक्कर महोदय ने कहा था। मेरी पीठ पर किया गया एक एक प्रहार ब्रिटिश शासन के लिए ताबूत की कील होगा, लाला लाजपत राय जो लाठी चार्ज में मारे गए थे। भारत में क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी ही यहाँ से चले जाना चाहिए। आप देख रहे हो लॉर्ड वेवल ने बता दिया भाई, है ना, कि जल्दी ही हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। सरोजिनी नायडू जी ने, इरविन और गांधी दो महात्मा थे, ये उन्होंने कहा था। गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके। सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का राजकुमार किसने कहा था, वो थे गांधी जी। उसके बाद विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, ये गांधी जी ने कहा था। मैं एक समाजवादी हूँ, गणतंत्रवादी हूँ, और मुझे राजाओं राजकुमारों पर विश्वास नहीं, जवाहरलाल नेहरू जी का स्टेटमेंट था। हिंदू मुस्लिम एकता के अग्रदूत जिन्ना हैं,
हिंदू मुस्लिम एकता के अग्रदूत जिन्ना है सरोजनी नायडू जी का स्टेटमेंट था, तिलक में मेरी रुचि इसलिए है क्योंकि वह संस्कृत विद्वान है। ये था मैक्स मूलर विद्वान का स्टेटमेंट। आपको मैं बता दूं, ये स्टेटमेंट अग्रदूत हैं, ये स्टेटमेंट विदेशी वस्त्रों की बर्बादी, देश नायक किसने कहा, राष्ट्रपिता, ये यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट, ये और ये जो बाइबल का है, सारे स्टेटमेंट आपके कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर में ज़रूर पूछे गए हैं। आशा करते हैं दोस्तों हमारा भारत आज़ाद हो गया फाइनली, इतने सारे जो आपके इंसिडेंट्स थी, घटनाएं थी, उनके बाद से। बताइएगा कितना पढ़ के आपको कैसा लगा एक बार कमेंट में। फिलहाल यहाँ पर हमारा जो है जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है वो हमारा कंप्लीट होता है और हम प्रोसीड करेंगे आप अपने ज्योग्राफी या भूगोल की तरफ। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा बाकी दोस्तों सहपाठियों के साथ में भी, जिससे कि वो भी पढ़ते रहें, उनकी भी हेल्प होती रहे। जल्दी ही मिलते हैं एक नए टॉपिक में, एक नए वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।